अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। वो क्यों? क्योंकि सीरियस बताऊँ तो मेरा दिल नहीं कर रहा था बनाने का, मतलब ऐसी थोड़ा दिल जा रहा था कि छुट्टियाँ वुटियाँ लें थोड़ा। एक और वजह ये थी कि रैंक पुश कर रहा था मैं, और अलहमदिल्ला मेरा एज हो गया है, ठीक है, हो चुका है मेरा एज सीज़न 14 में। तो हम उतरे थे जॉर्ज जो पुल, और यहाँ से कोई भी नहीं आया था, सिर्फ एक बंदा, एक बॉट और एक थ्रोन आया था। एक मिल गई हमको एमओ, और एक क्या बहुत ही लूट बड़ी प्यारी थी, बस फेयर नहीं मिल रही थी। पता नहीं क्या कुछ तावीज़ वावीज़ पढ़ के फूंका था, क्या मसला है। पहला बंदा मिला, सुन कर दिया इसको, तो पता ही नहीं चला कि गोली आई कहाँ से, गोली गई कहाँ पे। और फिर इसके पास से मुझे M24 मिल गई थी, और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज स्नाइपर चलाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने स्नाइपर नहीं चलाई। तो मैंने आज सेलेक्ट किया कि AKM और M24, और अब मैंने कोशिश की कि मैं क्यों ना इसको बॉट को M24 से मारूँ। 5 गोलियाँ थी, 2 गोलियाँ मैंने चला दी हैं जो कि ज़ाया हो गई हैं, और अब देखना अब कैसा पट लगेगा, 20 से होगा, फिर लगेगा लगेगा लगेगा। मेरी औकात उसमें आया था, और मेरी औकात है तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, चल छुट्टी कर। हाँ, ये स्नाइपर स्नाइपर मेरे बस की बात नहीं रही अब, पहले कभी चलाई थी तो आई थी पर अब नहीं। ये बंदा इस फॉरेस्ट में छुपा हुआ था कैंपिंग करके, मैं गया ही नहीं, मैं बाहर से वापस आ गया। तो ये भी फिर जब मैं वापस जा रहा था तब इसने शॉट दिए डरपोक आदमी ने, और जब मैं इसको देख रहा हूँ कि ये कहाँ है, तो ये मेरे पीछे बाइक गाड़ी लेके आ गया। हमने फुल फ्लैंक मतलब पूरा घूम के आ गए इसके पास, शॉट मैंने इसी पर कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि एम नहीं था, मतलब उसको गोली भी लगी। और अब देखना, ये सबको यही लग रहा होगा कि दरख्त के पीछे है, सबको यही लग रहा होगा दरख्त के पीछे है। मैंने दरख्त के पीछे नेट किया, एग्जैक्ट फटा है, बंदा नहीं है वहाँ पे, बंदा कहाँ गया? जादू, बंदा तो यहाँ खड़ा है। अगर समझ में नहीं आया तो 10 सेकंड पीछे करके वीडियो देखो, 20 सेकंड चलो, और फिर दोबारा तुम वापस देखना, ये बंदा दरख्त के पीछे छुपा है, और मैं दरख्त के पीछे देख रहा हूँ, मतलब TP भी ले रहा हूँ, लेकिन ये बंदा वहाँ से मेरी नज़रों में भागा नहीं, और मैंने पूरा टाइम वहीं देखा है। मैंने नेट निकाला, पिन किया, जब 6 सेकंड हो गए तो मैंने नेट फेंका, 7वें सेकंड पे नेट रख के आगे जाके फटा। इसको डैमेज तक नहीं हुआ, AKM की 5 गोलियाँ जब इसको लगी तो ये मरा है, ठीक है, मतलब डैमेज भी नहीं हुआ। और ये कैसे हो गया ये समझ में नहीं आ रही, मतलब जादू वादू का सीन था। फिर भाई हम आ गए थे ड्रॉप पे, ड्रॉप पे आज मेरा मूड था कि ड्रॉप लूटेंगे नहीं हम, समझ रहे हो, आज हम ड्रॉप पे कैंपिंग करेंगे, आज हम प्रो कैंपर बनेंगे। जैसे ही मतलब मेरी तो बस ही नीयत हुई थी कि बंदा आएगा उसको मारूंगा, तो बंदा आ गई, या मछली फंस गई हमारी जाल में। तो था, लेकिन गलती ये हुई कि उसने थर्ड लेवल का हेलमेट पहन लिया तो ये बच गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं, थर्ड लेवल का हेलमेट पहन लिया तो क्या हुआ, बॉडी शॉट से मरेगा सासुरा, इससे कैसे। अब हम ड्रॉप पे जाना नहीं है हमको, हम यहीं खड़े रहेंगे जब तक स्मोक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। स्मोक ख़त्म होने से पहले पहले हम यहीं रहेंगे, और मैं 2:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, समझ लो। अब एक और बंदे से मेरी फाइट हो गई, अभी मतलब यहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ आई थी, बंदे आए जा रहे थे, ठीक है। तो मैं इसको मार रहा था तो मुझे साइड पे बंदा रेंडर हुआ, और ये बंदे ने, इस बंदे ने 2 बंदों की जान बचा ली। एक जिसको मैं, जब मैं उस बंदे को मारा तो उसको भाग गया, फिर मैंने उसको मार दिया, तो मेरे 2 हाथ से किल निकल गया। और ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि ये बंदा शुरू से किल फील्ड में ना धूम मचाते हुए आ रहा था, 717177 नाम से सो कुछ अजीब सा। यहाँ भी मैंने इससे फाइट ली। तो अब हम जा रहे हैं सामने जो वाटर सिटी के पास जो स्क्वाड हाउस है, ये बड़ा पसंदीदा स्क्वाड हाउस, क्योंकि यहाँ पे ना आप बीच में खड़े होके ना चारों तरफ का एरिया आराम से देख सकते हो, कहीं से शॉट्स आ ही नहीं सकते। ये बंदा अब ऊपर था, मुझको लगा कि ये बंदा मतलब गराज वराज के आगे पीछे, लेकिन ये बंदा ऊपर था। तो हम भागे ऊपर की तरफ, इस बंदे को तो ऐसा घुमा घुमा के मैंने मारा है ना, बंदा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी ही इतना डरा हुआ था जिसका मरना तय था। मुझे पता था भाई ऊपर जाऊँगा तो ये TP लेके बैठा हुआ AKM में मार देगा, तो अब ये बंदा यहाँ TP ले रहा है। तो मैंने जस्ट पहले यहाँ से शॉट कनेक्ट करा दी, सब हुए नहीं, कोई मसला नहीं है। फिर मेरे को याद आया कि मैंने ना 2 मौली हमेशा अपने साथ रखता हूँ। पहले मैं यहाँ पे खड़ा हुआ और मैंने सोचा कि इसको मारा जाए यहीं से,
पर ये हो नहीं सका क्योंकि मैं नीचे गिर गया। तो अब मैंने एक दूसरा चांस लिया, और अब मैंने जैसे ही मौली निकाली तो उसको पता नहीं क्या साउंड वाउंड आया, तो ये नीचे चले गया। मैंने मौली करी पर मौली हो ही जाया, ये नीचे आ गया। और अब ये इतना डर गया है कि ये बेवकूफ़ मतलब कंफ्यूज हो गया कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। मतलब ये रूम में जा सकता है, यहाँ से कौन उसको छोड़ेगा, पर नहीं गया ये, फिर बाद में चढ़ा रहा है। तो ये डर गया, ये तो मैं समझ गया था। फिर मैंने उससे जब मौली करी तो ये बाहर निकल कर नेट कर रहा था, नेट बहुत जल्दी कर दिया इसने। मैं आराम से देखो बाहर आ गया, 4 सेकेंड टाइम ले गया। और ये बेचारा तो मतलब इसको तो ना जिल्लत वाली कंजरों वाली मौत देंगे, जला जला के मारेंगे। जैसे ही इसको मारा तो एक और गाड़ी आ गई, मतलब क्या। अब ये बंदा यहाँ पे TPP ले रहा है, और मैंने एग्जैक्ट नेट, जैसे एक नेट होता है प्रॉपर नेट किया मैंने, लेकिन इसको या तो डैमेज हुआ या ये बहुत लो हो गया था। ये बात मेरी अब दिमाग में है जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, और उससे पहले मुझे लग रहा था कि ये कोई सीन दूसरा ही है। या अब इसने पीछे जाके हील कर लो, अभी वापस आए भरोसा लेके। ये देखो 717171717171, इस बंदे की ना प्रॉपर खेल फिल आ रही थी, बस ओम वॉम थी, 8x था और ग्रोला वगैरह थी। तो मैंने तो ओम ले ली ओम, और इस पूरे सीजन 14 के अंदर ना पहली बार मैं पूरे मैच में स्नाइपर लेके चला हूँ। वैसे मैंने स्नाइपर नहीं ली, और तुम्हें देख जाओ वो बंदा कैसे छुप छुप के भाग रहा है। और इसका नाम ही बड़ा प्यारा लगा मेरे को, सिनियो। सिनियो नहीं, एक नॉर्थ कोरिया का पबजी प्लेयर, आईपैड पे खेलता है लेकिन बड़ा प्यारा ही खेलता है। छोड़ो जो भी नाम है, 94 नाम है। अब एक ही बंदा बचा है, और जब तुम्हें पता है कि 3 बंदे बचते तो हम चुपचाप। और ये बंदा तो वैसे इतना डरा हुआ था, मतलब देखो ओपन में आ रहा हूँ बिल्कुल कुछ कह ही नहीं रहा। और बंदा आ जाओ, मैं तुम्हारे और करीब आ जाता हूँ, जब मुझे मार लेना। सब्र तो है ही नहीं आजकल करके। हमको मिला विनर, विनर चिकन डिनर, और हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 का डैमेज था, 1000। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखना और सब्सक्राइब कर दो। मैं लाइक का नहीं बोलता, तुम लोग लाइक करते नहीं हो, तो देखो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। मैं लाइक का कहता नहीं, तुम करते नहीं हो ना, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब और लाइक इंपॉर्टेंट है बाबू, करो। अल्लाह हाफिज़।